डियर स्टूडेंट्स, हो रहा है हमारा चल रहा था पार्टिसिपल, उसमें हमारे दो पार्ट हो गए, प्रेजेंट और पास्ट। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट में आपने पढ़ा है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण का मतलब इसमें काम का समाप्त होना पाया जाता है, जिसमें कार्य पूरा हो जाए। कह रहा है कि इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल में कार्य समाप्त होना पाया जाता है, तो इसीलिए इसमें हेल्प शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसकी क्रिया में पश्चात या बाद अवस्था आता है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ा आपने कि उसकी क्रिया में कर करके करते हुए जुड़ा होता है। पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा कि क्रिया में हुआ हुई हुए आता है। ऐसे परफेक्ट पार्टिसिपल में पश्चात या बाद अवस्था आता है। अब अगर आइए कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो, फर्स्ट नियम है इसका, यदि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो तथा प्रथम सेंटेंस में सैलिंग फॉर्म का प्रयोग दिया हो, तब प्रथम सेंटेंस में हैविंग थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लीजिए। जैसे अब आप देखें यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट हमारा आई और यहाँ पर भी आई, तो ये काम खत्म। ये है टुक सेकंड फॉर्म, तो मैं इतना करना हैवी और टुक का हो जाएगा थर्ड फॉर्म टेकिंग द फूड। इससे अंदर कुछ नहीं कहना है, आई वेंट आउट, ठीक। जैसे ये देखना, दे द वर्क और दे रिटर्न हो, तो दे और यहां दे, तो ये खत्म। डिड सेकंड फॉर्म में तो हमें करना हैविंग डन द वर्क, दे रिटर्न हो, क्या कि उन्होंने कार्य किया और वे घर लौटे, तो हमें कहना कि काम करने के बाद वे घर लौटे, तो हैविंग जो है हमारा उसके बाद जरा बात की। तो पहले नहीं तो याद रखना आपको बेटा, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो यानी एक हो और पहले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म भी हो, तो तुम्हें उसमें हैविंग थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। रूल लिखे दूसरा, यदि प्रथम सेंटेंस पैसिव वॉइस का मतलब है इज आर एम वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म, मैं दिया मैंने बताया जाना वायु के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन ये कहला कि जिनके साथ में थर्ड फॉर्म हो। भाई हमने भी पढ़ा कि पहले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है, तो हमने कहा हैविंग थर्ड, यानी सेकंड को चेंज करते थर्ड में, परफेक्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म में प्रयोग होता। अब ये कहला कि जिन पहले थर्ड फॉर्म दियो, पैसिव वॉइस का मतलब नहीं कि थर्ड फॉर्म प्रयोग होना, क्या हो तब प्रथम सेंटेंस में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब ये कह रहा है कि यदि पहला सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में दिया हो, तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, हैविंग बीन का प्रयोग करना है। द सर्वेंट वाज टर्न आउट,
अब आप ये देखें, सर्वेंट को नौकर को निकाला गया ठीक, और वह बुरी तरह रोया। तो निकाले जाने के बाद नौकर फूट फूट कर रोया। अब आप ये देखें, सर्वेंट है ये तो आ गया यहां। बस पहले सेंटेंस में आपको देखना ये कि ये हमारी है थर्ड फॉर्म। अगर यहां आर एम वाज या वर दिया हो तो तुम्हें इसकी जगह पे ना क्या लिखना है, हैविंग बी। बाकी ऐसा कैसे ये टर्न आउट यहां बस सर में सर्वेंट वेट बिटर ठीक। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में केवल दो नियम आपके, पहला याद रखना है कि बेटा दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो। तो पहले सेंटेंस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और दूसरा है कि यदि पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया हो, यानी कि आर एम वाज के बाद थर्ड फॉर्म दिया हो, तो तुम्हें इसकी जगह सिर्फ हैविंग बीन, बाकी आप जो का जो लिखेंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल केवल इतना ध्यान रखना बेटा ठीक।